और मैं भी जेड़ ना अगली साइड तो जेड़ ना लैसा ते पलटे जेड़ ना अगली साइड ते जेड़ जोड़ ले, कोई थोड़ी जी लैंस जेड़ ना रह गई है इन्नी सारी, बाकी जेड़ ना पलटे जेड़ ना इत्थे जोड़ ले। और ए वाली लैंस जेड़ ना खराब हुई हुई है, बेगम साहब जेड़ ना दी है रबड़ ला के जेड़ ना गुच्छियां जी जेड़ ना बना रही है। हां नहीं इधरली साइड तो जेड़ ना कोई समझ लो कि दुकान माशाल्लाह खूबसूरत लग रही, पहले कोई शक किधरे पई हुई है, कोई शक किधरे पई हुई खूबसूरत नहीं लगती है। हाँ जी ते सारी दुकान दी जेड़ ना सेटिंग जेड़ ना हो गई, और इस दो अलमारियां तीनों दे विच जेड़ ना सारा समान जेड़ ना पूरा आ गया, और वो वाली जेड़ जुत्तियां रखी गई उत्थे ते इधरली साइड जेड़ ना खाली हो गई। हुण इत्थों जेड़ ना सामने दुकान इत्थों नुक्कर तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। हाँ बस इस तरह जेड़ ना अलमारियां वगैरह जेड़ ना बनेणियां साडी दुकान दी इधरलियां, क्योंकि इत्थे बिल्कुल एक एक चीज पई हुई जेड़ ना बहुत और महंगी लग रही सी। हुण भावे चल थोड़ी जी सही दो अलमारियां ही सही, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हाँ सर्दी बहुत है डॉक्टर साहब, बैर मोटरसाइकिल की बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। हाँ बहुत ज्यादा सर्दी निकल रही है। दवाई ले ली फिर जाना वापसी, चाचू कह लो 10 मिनट होके जाना, मैं शहर आया उन्होंने होके जावांगे, फिर अम्मी पुर होके फिर जाना इंशाल्लाह घरे जावांगे। हां जी दुकान जेड़ा बंद करती बालता इंशाल्लाह सवेरे फर्स्ट टाइम जेड़ ना खोलांगे दुकान, और इधरली साइड तो जेड़ ना दरवाजा लियो बंद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दुआ करना मेरे तमाम बहन भरा जिथे रहे खुश रहे बाद रहे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और जी घर के काम वगैरह जेड़ हो गए कंप्लीट, सिर्फ दीवार जेड़ ना तार करन वाली है वो शहर च हो के आन के फिर जेड़ ना करांगे, क्योंकि पहले जेड़ ना की आ दुकान की कोई सैटिंग वगैरह करन वाली है, दुकान की जेड़ ना सैटिंग वगैरह की, और किस तरह सैटिंग वगैरह की तुहानू आन के जेड़ ना दिखाने, क्योंकि दुकान जेड़ ना खोली रखी हूँ जेड़ ना बंद की चले आ शहर सारे पहले जेड़ हनुमान की जेड़ ना दवाई वो लै भी है। तैयार हो गई और अलीमा सादिया भी तैयार हो गई है, टोपियां सिर उपर कराओ तेन को सारिया चीजा ला के परे रख दे, हनुमान पुत्र तूने ठीक हो जाना, टोपी दूसरी कित्थे है तेरी, एनू टोपी तो लाभ के दे और मिलाप के दें, दस्ताने भी पा टोपी भी पा ठीक है ना, इन्हें दस्ताने भी चाक देते टोपी भी, और दुकान की कोई सैटिंग वगैरह इस तरह की, क्योंकि सारिया अलमारियां अंदर जेड़ना थोड़ी थोड़ी चीजा जी ठिंडवियां जी पई हुई सी, और परली साइड वाल जेड़ना एक साइड सारी सैटिंग वगैरह की रीलों वगैरह जेड़ना परली साइड से रख लिया ने, बल्कि फिलहाल जेड़ा शहर होने के आन के जेड़ना फिर जो दम दिखाने, क्योंकि शहर तकरीबन जो सू लग जाना घंटा, क्योंकि पर शहर जाना दवाई तो अद्धा घंटा लगना, को अद्धा घंटा मियाँ बूरों को रुकेंगे फिर जेड़ना घर वापस जेड़ आवेंगे, और फिर सैटिंग जी सारी शेयर करेंगे सारे बहन भी दसना भी सैटिंग जी दुकान की ठीक हुई कि नहीं हुई, क्योंकि परली साइड वाली जेड़ना तकरीबन 7-8 खाने जेड़ना सारी चीज़ा ना भर के जेड़ना रखते हैं फ्रंट तो, क्योंकि जेड़ना बहुत ही ज़्यादा जेड़ना दुकान खूबसूरत जेड़ना लगेगी जी। मैं भी मोटरसाइकिल जेड़ना मोड़ रहा, बेगम भी जेड़ना ताले जेड़ना ला रही दरवाजे ने, उधर लॉक करता अच्छा अच्छा ला रही हो, और उत्त जेड़ना बहरली गेट में जेड़ना छोटी जंदरी जेड़ना वो ला के जेड़ना जावे इधर उत्त जेड़ना फिर लाख ने लाख जेड़ना हो जाते हैं चलिए, और टोपी दस्ताने जेड़ना नुमान ने जेड़ना पहन दे अच्छे तरीके ने जेड़ना कवर कर ली अपने आप नू ठीक है ना, ना हवा ना लगे। हाँ जी जी आ जाओ चलिए निजा फातमा चलिए चल, और बहुत ज्यादा निजा फातमा खुश होंगी है चलिए आज चलिए लेट आती पई है, और जी इंशाल्लाह असीं भी जेड़ना निकलने आ रस्ते जी शहर पहुंच के फिर तुहाडे नाल गल होवेगी। हाँ जी ते शहर जेड़ा डॉक्टर कोल जेड़ना पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम सर जी, नुमान नु बुखार ते खांसी आ, अज दूसरा दिन आ स्कूल तों छुट्टी हो गई आ, मिस्त्री लगे हुए सी कल जेड़ा मेरा टाइम नहीं लग्या, जा चेक करा चलो मेरा बेटा बुखार करती मेरा। हां सर्दी बहुत है डॉक्टर साहब, बैर मोटरसाइकिल की बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। हाँ बहुत ज्यादा सर्दी निकलती, खुराक क्यों है अच्छा हम सुन रहे हैं ना कोई चीज एह जी नहीं खानी ना लेज पापड़ दाल कोई चीज नहीं खानी,
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀਪੁਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਣਾ ਆ ਗਏ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਨੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਅੰਮੀਪੁਰ ਵਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਅੱਜ 10-10 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਹੋ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨੁਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣਾ ਨੁਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਆਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ ਜਣ ਹਾਂ ਚੂਚੀ ਜਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਟੋਪੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਣ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਣ ਖਾਰੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਣ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਖਾਲਾਂ ਜਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਣ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਵਾਈ ਜਮੀਂਦਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਵਾਪਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਜਾਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਮੀਪੁਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਮੀਪੁਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਨੇ ਆ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਘਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਈ ਕਰ ਲਵੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਲਈ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਦੀਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨੁਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਲਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਬਲਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੋ ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਐ ਲੀਆਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਪੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਲਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਲਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਅੱਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਜੇ ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਈ ਹੋਈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸੁਬਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟੋਟਾ ਇਹ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਰਾਈ ਕਰਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸਰ ਪਤਾ ਕਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਮੋਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਬੰਦ ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਗਰਮੋ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੱਕ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਕੀ ਪੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨੁਮਾਨ ਚੱਕ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾ ਲੈ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੈਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨੁਮਾਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆਇਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਸ ਦਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਆਣ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੁਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ
दुकान जी ने खोलने हैं। हाँ जी, तो दुकान माशाल्लाह जी इन्हें खोल ली है और सेटिंग वगैरह जी इन्हें कुछ इस तरह की, मैं सारे बहन भाइयों जी दिखा देवगा, क्योंकि पहले जी इन्हें रीलां ए सैट जी इन्हें जोड़ के रखी हुई सी, लेकिन वो कोई चीज इधर पई सी कोई चीज इधर पई सी, जिमें कौन लैसा पईना ये भी सारिया जी इन्हें क्या खाने वगैरह जी इन्हें खाली पैन, सारा एक अलमारी जी इन्हें सोहनी तरीके जी इन्हें जोड़ के रख लें, एक एक चीज इधर उधर रखा ना सारी चीजें एक जगह जोड़ देना, और रीलां जी इन्हें सारिया इधरली सैट जी इन्हें इतने तोड़ टिकर जी इन्हें मैं रख लिया, और बटन भी जी इधर रख ले, और इतों जी इन्होंने अलमारी बहुत ही ज्यादा जी इन्हें खूबसूरत जी इन्हें लग रही है, मैं कह जी इन्हें सारे डब्बे में एक एक चीज जी इन्हें खूबसूरत नहीं लग रही, इस करके सारिया चीजा जी इन्हें कट्ठिया एक थाते जी इन्हें मैं रख दे जी हूँ, बाकी मैं सैटिंग वगैरह और करता पाया, लेकिन मैं जी पहले दवाई जी मान दी लई है भी लेट काफी सारी हुई होती है, हूँ ऐतला समान वगैरह जेड़ना ये भी सारा जेड़ना सैड वाल जेड़ना जोड़न लग्या, मैं जिन्ना किया पियाँ लैसा पियाना अगे लैसा वगैरह इतने पई सी, लेकिन यह लैसा वगैरह सारिया जेड़ना चक के ऐदली जी अलमारी ना सिर्फ ऐदली दिल्ली सैड एक जी इन्हें पूरी कर लीए, क्योंकि बहुत ज्यादा जी इन्हें खूबसूरत लगे, क्योंकि ऐदली सैड तू जेड़ा कस्टमर वगैरह आवे ना तो इतों जेड़ना भरी हुई सामने जेड़ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे, तो फिर इंशाल्लाह जेड़ना आस्ता आस्ता सारे खाने जेड़ना फुल हो जाएंगे, और दूसरी जेड़ना इतने जुतियां पईया सी लेडीज अपना वो जेड़ना मैं सैडल जेड़ना रख लिया ने इधर जेड़ना रख लिया, मैं जेड़ा कोई कस्टमर आया तो इतों जेड़ना काट के दे देवे, बहर जेड़ना गट्टे मिट्टी च काफ़ी सारी जेड़ खराब हो जाए, तो बाकी जेड़ना वाली जुतियां वगैरह इन्हों की सैटिंग वगैरह करके जेड़ना बच्चे वाली जेड़ना ये रख लें, और शीशे वगैरह जेड़ना ये भी जोड़ लें अच्छी तरीके से जेड़ना इंज करके फ्रंट से रख लें, लेकिन लैसा वगैरह तो फिलहाल जेड़ मैं इधर हटाने लग्या उत्थे जेड़ना एक सैड वाली जेड़ना सारे शायद आ शीशे वाली जगह जिथे गड्डिया वगैरह पा इतने लैसा वगैरह जेड़ना फिट कर लें, नाले नलकियां वगैरह जेड़ना इतने ठीक ने, इधर जेड़ नोले तो आदि लाइट नहीं आंदी इन्ना, तो कलर का जेड़ना बिल्कुल ही जेड़ना पता ही नहीं चलता भी कि कलर कि मिक्स करना हनेरा होंदा सी ना, इतने जेड़ना शटर खुले होगा तो इतने जेड़ना रोशनी अगर रोवन गिया ना लाइट ना ही होगी कि चमक नहीं होवन गया तो कलर जेड़ा सेम मैच हो गया करेगा, तो हम मैं भी जेड़ना साफ सफाई फराज की जेड़ कर ली है, बाकी जेड़ना चीज़ों की सैटिंग कर लव तो फिर जेड़ना और हाले जेड़ जो लेंदे तो बिके कोई नहीं, फिलहाल जेड़ना पाल्टी टिशू जेड़ने मतलब घ्यो वाले हाँ टिशू ने जिमें कि केक कटने ना तो नाल जेड़ा फिर ये लैके जाते मतलब कि मूँह साफ करने वास्ते हाथ साफ करने वास्ते टिशू पेपर आई समझ, दवाई दवाई नू लै ली है ना ते शाम नू फिर लैनी आ ते दाल पापड़ एहो जी कोई चीज की करना हाँ नहीं खानी ठीक है ना सियाना पुत्र मेरा, फिर इंशाल्लाह जी सवेरे तेन स्कूल भी भेजना है ठीक है ना, हाँ नुमान ताज भी जेड़ना कहता स्कूल जेड़ना बबू चला जाना दवाई जेड़ना वापसी त्यान के ला लवेंगे, मैं क्या नहीं ज्यादा मतलब कि उत्थे जेड़ना फिर पूरी क्लास जी डिस्टर्ब हो गए नुमान खांसी वगैरह से ना इस करके मैं नहीं जेड़ जान दिता, लेकिन सुबह भी जेड़ना वैसे ही अल्लाह के पास अलग अलग शुक्र है खांसी वगैरह जेड़ी कम आई रात में जेड़ना ज्यादा ही, लेकिन दवाई वगैरह लगा गया डॉक्टर भी कह रहा है इंशाल्लाह सवेरे जेड़ नुमान स्कूल जाएगा ना ही बुखार होगा तो ना ही खांसी रहेगी, दवाइया वगैरह जेड़ कह रहा है कि मैं अच्छी जेड़ दे दी ने, और मैं भी जेड़ा लैसा के पलटे जेड़ा इधर सैड के उत्तर के ऊपर जेड़ा जोड़ के रखने लगे, मैं इधर जेड़ा सामने नजर आए करेंगे बड़े खूबसूरत लगे करेंगे, क्योंकि एक सैड तू जेड़ा ना गाहक देखेगा ना तो इन महसूस होगा माशाल्लाह दुकान भी इन्ना भरी हुई है, एक सैड तू जेड़ा भरी जाएगी जोड़ के और
मैं भी जेड़ना अगली साइड तो जेड़ना लैंसा ते पलटे जेड़ना अगली साइड ते जेड़ जोड़ ले कोई थोड़ी जी लैंस जेड़ना रह गई है इन्नी सारी बाकी जेड़ना पलटे जेड़ना इत्थे जोड़ ले और ए वाली लैंस जेड़ना खराब हुई हुई है बेगम साहब जेड़ आउंदी है रबड़ ला के जेड़ना गुच्छियां दी जेड़ना बना रही है हां नहीं ना इधरली साइड तो जेड़ ना कोई समझ लो कि दुकान माशाल्लाह खूबसूरत लग रही पहले कोई शा किधरे पई हुई है कोई शा किधरे पई हुई खूबसूरत नहीं लगती है वो एक एक चीज कली कली पई सी खूबसूरत नहीं लग रही सी लेकिन इतों जेड़ो गाहक आंदा ना तो इंज महसूस होगा कि दुकान जी फुल भरी हुई है क्योंकि रीलां जेड़ना इतने आ गई बाकी जेड़ हूँ उधर रीलां लगी हुई सी बाकी कोई लैंस इधर कोई चीज जेड़ना इधरली साइड तो वह सही नहीं आ रही इस करके जेड़ना मैं इतने दो अलमारियां जेड़ना सोहनी तरह समान जेड़ना जोड़ लवेंगे फिर आस्ते आस्ते जेड़ना एक एक खाना जेड़ना क्योंकि समान तो जेड़ना कुछ लैके आ जाना सी फिर वो समझ लो कि दो तीन हफ्ते हो गए दुकान की जी सेल वगैरह आती रही गाहक आते रहते हैं जे महल इधर से जेड़ना चार पाँच दिन दिन सारा समान लैसा वगैरह जेड़ना बिकलियां रही फिर सारे चीज जेड़ना खर्चा वगैरह आंता रहने तो समान जेड़ो पैसे जोड़ के कोई नवा लै लेना सी चलो कोई नहीं इंशाला एक दिन जेड़ना ब्रीज आएगी इंशाला लेकिन इधरली साइड तो दुकान जेड़ना बहुत ही ज्यादा जेड़ना खूबसूरत लग रही है बाकी थोड़ी मेहरबानी मेरे को जेड़ना समेटनी ही कोई नहीं आए क्योंकि जेड़ा गाहक लै जाता ना पूरी गुच्छी जेड़ना खुलांदे ना बिचू को पांच मीटर लवे दो मीटर लवे पिछली जेड़ना फिर उवें खुल जाती है इस तरह पहले रिबन जो लगा होता बाद कट्ठी होंगी होंगी जेड़ना काफी सारी जेड़ना होगी पहले जेड़ना मिस्त्री लगे हुए रहे ना तो जेड़ा को लैस लैके जाता चलो कोई नहीं एवं जेड़ दोबारा ला के रख दे और मैं भी जेड़ना लैस वगैरह जेड़ना इतने जेड़ना जोड़ रहा नाल जेड़ना पलटे जेड़ना इतने जोड़ते हैं लैस जेड़ना इतने उपली साइड से जेड़ना जोड़ के रख दें चलो मैं आख दो अलमारियां तो जेड़ना भरी बन गई पिछले अलमारियां बच जानिया ने एक दो तीन चार पाँच छे छे अलमारियां बच जानी ने भरन वाली ने फिलहाल समान ने जेड़ दो अलमारियां भरी रही हाँ जी तो सारी दुकान की जेड़ना सैटिंग जेड़ना हो गई और इस दो अलमारियां तिना जेड़ना सारा समान जेड़ना पूरा आ गया और वो वाली जी जुत्तियां रखी गई उत्थे तो इधरली साइड जेड़ना खाली हो गई हूँ इतों जेड़ना सामने दुकान इतों नुक्कर तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है हाँ बस इस तरह जेड़ना अलमारियां वगैरह जेड़ना बनियां साड़ी दुकान की इधरलियाँ हाँ क्योंकि इतने बिल्कुल एक एक चीज़ पई हुई जेड़ना बहुत और में जी लग रही सी हूँ भावें चल थोड़ी जी सही दो अलमारियां ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है हाँ क्योंकि जुत्तियां जेड़ना साढ़े को बिल्कुल जेड़ना कोई नहीं ने बच्चों दियाँ मरदावान जनाना सारी जुत्तियां वगैरह जेड़ना साढ़े पीनी ज्यादा कोई नहीं क्योंकि ईद तो पहले जेड़ा समझ लो महीना पहले तो जेड़ा समान लेना पौना अगले महीने तक कोशिश करनी कोई समान वगैरह जेड़ना ईद का जेड़ना लैन वास्ते क्योंकि बच्चों दिया खिलौने भी जेड़ना ये भी और लैन नहीं तो दूसरी जेड़ना क्योंकि ईद तो लैंसा बहुत ज्यादा चलनिया ने क्योंकि हर किसी ने जेड़ कपड़े नवे जेड़ना सिलाने ने लैंसा बटन यह चीजा जेड़ना ईद के दौरान माह रमजान ने बहुत ज्यादा जेड़ विकनिया रोजिया च बहुत ज्यादा विकनी है चीजा यह चीजा जेड़ना लैनिया क्योंकि लैसा भी जेड़ना सिर्फ इन पईया ने नवे कलर वगैरह हो बहुत ही ज्यादा ने लेकिन कोई नहीं इंशाला इंशाला जेड़ना कोई ना कोई ब्रीज आएगी लेकिन जेड़ना एक चीज तो लैनी होगा तो फिर तो परेशानी कोई नहीं होंगी लैंसा बटन जुतियां और पर क्रीम वगैरह सारिया चीजा जेड़ना काफी सारिया जेड़ना लैन आई ने और तेल की बोतल रह गई ने दो और शैंपू जेड़ अगले दिन कस्टमर आया से इनके जेड़ा बड़ा लैन वास्ते लेकिन वो मेरे कोई नहीं छोटे छोटे जेड़ मुँह तो लैन दे तीन तीन हाँ लैबो का तो चलो इधर इनका तो जेड़ फिर भी जेड़ा थोड़ा जहा मीडियम साइज पे है लेकिन जेड़ा ऐतला लैबो बिल्कुल ही बड़ा शैंपू जेड़ा कोई नहीं कोई नहीं लैवे यार शायद जानी है फिर हाँ हाँ जी इतना कुछ जेड़ना पिया हो मतलब दुकान ते बैठ जोगे तो है ना लेकिन फिर इन काफी सारी जेड़ना चीजा गाटने चीजा जेड़ना पूरी करदे हूँ सेल करके मैं अली जेड़ना टू ब्रश जेड़ना छे लै आंदे सी ए भी जेड़ना काफी सारे जेड़ना महंगे अले छे भी जेड़ना मिले सी पकन 1200-1300 रुपए के जेड़ना छे मिले क्योंकि फैमिली पैक सी अपने बड़ा जेड़ना है पता नहीं कीमत लिखी 2-250 रुपए का जेड़ना सेल होंदा हाँ हाँ नहीं कागज वगैरह जेड़ कड़ने से मैं साफ सफाई जेड़ करके कटते हैं हाँ चलो बाकी जेड़ दुकान में इधरली नुक्कर देखना तो बहुत ज्यादा जेड़ खूबसूरत लग रही है बस एवं ही जेड़ इंशाल्लाह इधरली साइड तो ब्रिज जाएगी हाँ हाँ हाँ
हां हां जी मैं सेल की जावांगे नौ में सामान ले के आ जावांगे सामान बड़ा असर है साडे तो ज्यादा से छल बिकिया लेंगे तो फिर हां पेट तो बाप जड़े डालिया वगैरह है ना हां वो तो जी भी डाल बड़ा छल बिकिया आज छल की रहे हैं ओ हां जी कोई नहीं इंशाल्लाह लैम क्योंकि जेड़ा ही को लेवण आंदा ना चैना ते मैं बूट लैन दे सी बूट तो अच्छे में बिल्कुल लैन दे को देख के को जेड़ा ही लैन आंदा आंदा अच्छे वाली जेड़ा चीज जेड़ा सानू जेड़ा तुसी दिखा दे लेकिन दूसरे जे अच्छे वाली चीज जेड़ी हाई कोनी फिलहाल जेड़ा लेडीज लैन दे असर बूट ए भी सारे जेड़ो ले लेण दे लैन दे अच्छा बूट जेड़ा एक ही लेके चलो सर्दियां दा सीजन टप गया लेकिन कोशिश ये करनी कि गर्मी दी जूतियां जेड़ा ईद वास्ते जेड़ा अच्छीयां लाए भी है सही लोकां में चलनी है हां और हलीमा सादी है जी इन्हें खेल रही है अच्छा हूं दवाई ले को बेहतर फील कर रहे हैं हां चलो शाम नु फिर ला ले तू तो परेशान करता मेनु रात नु है हूं ठंड तू बचो ठीक है ना चलो जी गड्डी ने खेल रहे हो खेल वेख रहे चलो इन्हें ले जाओ चलो कोई नहीं बच्चे ने खेलन दे इन ले जाओ तेनू जे ना समा होते समय ना तेनू आगते जे लेक चलो नुमान पुत्र तू भी जा बल्कि इन्हें क्या जाना इन्हें मेरे को ही पाना ना नहीं कोई नहीं सर्दी नहीं कोई मसला नहीं मैं भी अलग दिया साइडों वगैरह के ना करते हैं रह जाना हाँ छप्पर बांध जा तंदूर भी थे होने ना अपने इंशाल्लाह थोड़ी जी महंगी जुती जेन लै आवांगे गाहक जेना महंगी जुती जेना पसंद करदे ने इहो जिहा लै लैण दी जुतियां जेना पसंद नहीं करदे इहदे नाल दी जुतियां वगैरह जेना ईद ते लै आवांगे मुख्तलिफ कलर मुख्तलिफ डिजाइन वगैरह जेना इहो जी जेना जुतियां लैके आनियां ने ईद दियां ते दूसरे जेना जेंट्स दे मेरे को सिर्फ दो जुतियां जेना सिर्फ पईयां ने इहो जी जेना जुतियां वगैरह काफ़ी सारियां जेना लै आवांगे ना ते ईद तो पहला पहला इंशाल्लाह जेना सारा समान वगैरह जेना हो जाएगा पूरा ते गाकी वध जाएगी ईद तिकर जेना कोई गाहकां नूं पता लग पेंड तो सारे जेना पता चल गया मतलब कि जिन्हें जिन्हें पता चल गया दुकान बंद भी होना तो करो फिर इधर दरवाजा खोल के जेना घर का तो इधर जेना समान वगैरह जेना दे दींदा लेकिन कोई नहीं इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जेना फिर सारा हो जाए क्योंकि हल्की फिर क्रीमा वगैरह जेना काफ़ी सारी घट सी अज दो गाहक क्रीमा दे आए ने पता नहीं कि क्रीम का अर्थी एक कह रहे थे तो एक जेना होर क्रीम कह रहे थे वो वाली जेन दोवें कोई नहीं हालांकि इन्ने किस्म की जेना क्रीमा पईयां ने लेकिन जी गाहक ने पूछिया ना वो दोवें क्रीमा जेना मेरे को दूसरा जेना परफ्यूम वगैरह भी जेना गाहक आए थे लेकिन वो परफ्यूम वगैरह जेना मेरे को पे एक तो जेना गाहक आया सी जी 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 चल बैठ मैं बुवा मां आ जा इत बैठ हां हां कोई चीज और लेनी नुमान इन चेंज करवा कोई चीज और लिया के दे दे ठीक है क्योंकि दूसरा जेना रूम स्प्रे जेना वो भी कोई नहीं पाया दूसरे जेना बॉडी परफ्यूम जेना वो वाले जेना कोई नहीं पाया फिलहाल बिल्कुल ही जेना कोई नहीं पाया इस तरह काफ़ी सारिया चीज़ा जेना मिस ने जी चीज़ा के गाहक वगैरह जेना मुड़ते ने दूसरे ऐले जेना परफ्यूम मैं सिर्फ जेना इन्ने जेना लैन दे चार है छोटे लैन दे सी दो है जेना बड़े लैन दे सी और शैंपूआ के गाहक जेना ये मुड़ जाते हैं क्योंकि बड़िया बोतलों लैन आते हैं ना इस तरह करके जेना आस्ता आस्ता जेना फिर सारिया चीज़ा जेना पूरिया हो जाएंगी एक बार नहीं होनी लेकिन आस्ता आस्ता जेना इंशाल्लाह अल्लाह सुनने चाहे साड़ी दुकान जेना ब्रेज जाएगी जो दुकान वगैरह जेना मुकम्मल हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा जेना मैं खुश होना अल्लाह पाक का लख लख शुक्र आ मेरे को अपना कारोबार जेना बन गया आस्ता आस्ता इंशाल्लाह जेना अगे अल्लाह सुनने चाहे कारोबार मजीद जेना बढ़ जाएगा क्योंकि गर्मियों तिकर जेना
इंशाल्लाह क्योंकि कोई जेना जे लैन देने वो भी क्लियर हो जाएगा तो गर्मियों फिर इधरों जेना तंदूरों खर्चा वगैरह निकलता रहेगा दुकान का जो मुनाफा होगा दुकान ही पावे कुछ इधरों चैनल मिलेंगे वो भी दुकान ले पावे लेकिन वो मेन पता है कि टेंशन वगैरह जी ने बनी खोती आ कि ईद के थोड़े दिन है ना इस करके जेना महीना दो महीने के अंदर अंदर समान मैं कहना ईद का जेना रमज़ान शरीफ के अंदर अंदर ही जेना सारा ब्रीज जाए दुकान क्योंकि मेरी सलाह यही है कि रोजे आने तो पहला पहला दुकान ईद का समान जाए क्योंकि पहले रोजे नौ जो खरीद जो शुरू कर देते हैं कपड़ियाँ की होगी और आप होगी ना क्योंकि ईद के एंड तक तो जो कोई भी कोई शॉपिंग वगैरह नहीं खास करते तो ईद तो पहला समझ लो कि माह रमजान के पहले रोजे स्टार्टिंग कपड़े वगैरह लोग सिलाई कराने नवे शुरू कर देते हैं इस करके लैसा वगैरह मैं कहना फुल हो क्योंकि नवी नवी जी दुकान आना तो पहली दफा ही जो कस्टमर वगैरह मुड़ गए तो फिर जो काम खराब होगा इस करके मैं कहना पहले पहले इस उतले महीने कोई समान वगैरह जेना आ गया ना तो फिर टेंशन वगैरह जेना खत्म हो गया इतने जेना दूसरी रस्सी लिया के जेन बननी है सेबा जेना ला लेना तो दूसरी रस्सी लिया के जेना इंशाल्लाह बनेंगे और इनिया रीलों में माशाल्लाह लैं दी सी तकरीबन जेना 238-237 रील का डब्बा तो गाहक जेना कपड़े जेना मैच करने आते हैं कपड़े का टुकड़ा लैके आते रील नाल मैच करिए इनिया रीलों के कोई ना कोई ऐसी रील आ जाती जिन्हें नाल कपड़ा वगैरह जेना बिल्कुल ही जेना मैच कोई नहीं होता इनिया रील लै दें क्योंकि जेना जिंदे दुकान वाले बाइक घूम लैन गया मैं हूँ जेना कोई कलर वगैरह मिस तो नहीं होने क्या घर हजार डब्बा ही लै जाएगा फिर कोई ना कोई कलर जेना रह जाने इस तरह करके काफ़ी किस्म के कपड़े इस तरह आ गए लेकिन कोई नहीं फिलहाल जेना परेशानी नहीं कोई नहीं बनती कोई एक अद्धी रील है जी ना रह बल्कि जेना गाहक कोई नहीं फिलहाल जेने एक दो ही मुड़े से उन्होंने रील जी मैच नहीं हुई सी वरना जी सारी रील वगैरह जी बिकनिया ही रहती हाँ जी तो दुकान जेना बंद करती दुकान का बलोक जेना बालता तो इंशाल्लाह सवेरे फर्स्ट टाइम जेना खोलेंगे दुकान और इधर ही साइड तो जेना दरवाजा लियो बंद करना और जी आज दे अला विलाग भी जेना कर रहे हैं इतने खत्म इंशाल्लाह मिलने हैं किसी नेक्स्ट अच्छे तो अच्छे विलाग के अपना ढेर सारा ख्याल रखे जे दुआव जी याद रखे जे इन्होंने दुआव के नाल दे इजाजत अल्लाह हाफिज़।